पागल था मैं तुम्हारे लिए, ऐसा एक पल भी नहीं गुजरा जिसमें मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ना हो। ये देखो, ये तस्वीर मैंने जब ली थी जब तुम बालकनी में कपड़े टंगा रही थी। तुम्हें पता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने तुम्हारे नेबर से भी दोस्ती कर ली थी। उसके घर पे चाय पीने जाता था जब तक तुम बालकनी में आती थी। पर हाँ, ये देखो, ये जब जब तुम खरीदारी करने जाती थी, तुम्हारा रूटीन तलमे की तरह याद किया हुआ था मैंने। तुम कहाँ जाती थी, कहाँ आती थी, किस वक्त जाती थी, किस वक्त आती थी, सब पता है मुझे। एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ दिखा दूँ। ये देखो, ये जब तुम अपने पेरेंट्स के साथ हमारे घर आई थी, इस कप में तुमने चाय पी थी, और ये टिश्यू इस्तेमाल किया था तुमने। मैंने संभाल के रखा है। इसे पहचानती हो तुम? ये तो मेरा है। हाँ, तुम्हारा है। ये जब हम तुम्हारे घर आए थे ना, तो मैंने चुरा लिया था। सॉरी यार, वो मुझे एक और निशानी चाहिए थी तुम्हारी, मैं खुद को रोक नहीं सका। ये मेरा जुनून है जो आज तुम मेरी दुल्हन बनी बैठी। तुम्हें पता है कितनी मिन्नत समाजते करने के बाद तुम्हारे अम्मी अबू से तुम्हारा रिश्ता लिया है मैंने। ऐसे 21st सेंचुरी में मेरे जैसा आशिक मिलेगा नहीं तुम्हें? नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी मुंह दिखाई, आंखों में आंसू कैसे? खुशी के आंसू है ना? देखो, मैं बहुत छोटे दिल का मालिक हूं, प्लीज मुझे बता दो क्या प्रॉब्लम है। I'm pregnant. अच्छा, ठीक। और कुछ? क्या बोल रही हो? ये कोई मजाक है करने का? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जानती थी एक शॉकिंग न्यूज होगी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता मेरे साथ? मैं बताना चाहती थी। बस एक लफ्ज मत बोलना अब आगे से तुम।
प्लीज एक दफा सुन तो ले कि मैं क्या। आई सेड इनफ। इसके आगे एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी तुम। शायद मैं दुनिया का पहला शौहर जिसकी बीवी उसे वेडिंग नाइट पे ये सरप्राइज दे रही है कि वो प्रेग्नेंट है। आपको टिश्यू पर मेरी लिपस्टिक तो नजर आई, लेकिन उस दिन मैंने उनसे अपने आंसू भी पोंछे थे, वो नजर नहीं आए। खुश्क हो गए होंगे आंसू, लेकिन उस पर उसके निशान अब भी मौजूद हैं। आपने मेरा रूटीन याद कर लिया, मेरे दिन रात के बारे में पता लगाया, मेरी खुशी मेरा गम जानने का दावा करते हैं, लेकिन एक बार भी मेरे दिल के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं क्या चाहती हूं। मैं सोचती हूँ न जाने कितनी ही मेरी जैसी दुल्हनें होंगी जो दिल में किसी और को बसाकर और बाहों में किसी और की सो रही होंगी, कोख में किसी और का बच्चा लेके और किसी और की बीवी बनने का ड्रामा कर रही होंगी। तुम्हारे माँ बाप को पता था ये? हाँ, मैंने इस रिश्ते के लिए उनको कई दफा मना किया था और खालिद भी बार बार उनसे मेरा हाथ मांगता रहा, लेकिन मेरी अम्मी अबू ने फैसला आपके हक में दिया, क्योंकि आपका और आपके माँ बाप का पड़ला खालिद पर भारी था। प्रेगनेंसी का मुझे 2 दिन पहले ही पता चला। मैंने अम्मी को बताया, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया कि अब कुछ नहीं हो सकता। तो तुमने मुझे क्यों बताया? मेरा ज़मीर मुझे 2 दिन से मार रहा था, और जब आपसे पता चला कि आप मुझे इस कदर चाहते हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। खाली तुम मुझसे ज़्यादा चाहते हैं क्या? इतना कि वो अब भी आपके घर के बाहर गली में बंडला रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम आंटी। आंटी, मैं आपकी बेटी को तलाक दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मेरी पूरी बात सुन ले पहले प्लीज़। मैं एक्चुअली थोड़ा इंडिसाइसिव था, मुझे लगा ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन जब मैंने इसे करीब से देखा तो मुझे इतनी पसंद नहीं आई। जी, मैं अपने अम्मा अब्बा को ये बात बता दूंगा। मैं चाह रहा था ये बात मैं आपके इल्म में भी लेकर आऊं। जी, मैं करता हूँ। जाओ यहाँ से। आपने बात खुद पे क्यों ले ली? ताकि तुम पे कुछ सवाल ना उठे। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता।